कोई पेड़ लगाता है। कुछ साल बाद पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया। तभी वहां से दो दोस्त गुजर रहे थे। अरे ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, मुझे लगता है हम जब चौथी कक्षा में पढ़ते थे तभी से। सही बोला तूने, अब ये पेड़ बूढ़ा होने। तभी दो बच्चे खेलते हुए घर आ रहे थे। देखो बहन, कितना बड़ा और विशाल पेड़ है। हाँ सही बोला तुमने, यह बहुत बड़ा है। तभी किसी की रोने की आवाज आई। यह रोने की आवाज तो इस पेड़ से आ रही है। यह आवाज कहाँ से आ रही है? चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। हाँ चलो। अरे यह लकड़हारा तो इस पेड़ को काट रहा है। ये लकड़हारे, तू इस पेड़ को क्यों काट रहा है? अरे हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है, इसी से चलती है। हमें पैसे भी इसी काम के मिलते हैं। क्या करूँ, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, घर चलाना है ना। तभी दोनों बच्चों की माँ आ जाती है। अरे क्या हो रहा है यहाँ? माँ यह लकड़हारा इस पेड़ को काट रहा है। अरे लकड़हारे तो पेड़ क्यों काट रहा है? अरे मैडम हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है, पेड़ तो काटना पड़ेगा ना, घर चलाना है। लेकिन तू तो धरती नष्ट करने का काम कर रहा है। मतलब कि पेड़ से हमें ढेर सारी चीजें मिलती है, जैसे कि फल, फूल, ठंडी हवा, छाया और सबसे जरूरी ऑक्सीजन। तो मैं क्या करूं? तो आज से तुम पेड़ मत काटो, और पेड़ मत काटो जिससे तुम्हें खुद खुशी मिले। अच्छा ठीक है, अब से मैं पेड़ नहीं काटूंगा, प्रतिज्ञा लेता हूँ। ठीक है। अगले दिन विद्यालय में। सुप्रभात सर जी, क्या हुआ राहुल? एक सवाल है। कैसा सवाल? सर जी हम पेड़ क्यों काटते हैं? क्योंकि पेड़ से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन हमें उन्हीं पेड़ का उपयोग करनी चाहिए जो पेड़ सूख कर मर गए हों। क्यों? क्योंकि हरी भरे पेड़ों का जीवन में बचा होता है, लेकिन हम उसे मार कर खत्म कर देते हैं। विद्यालय से घर आते समय। बहन आज से हम कागज से बने चीजों का कम उपयोग करेंगे।